हिंदू युवा मंच के समर्थन में उतरे विभिन्न समाज के लोग जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर न्याय संगत कार्रवाई की करी मांग। हिंदू युवा मंच के कार्यकर्ताओं पर एक समाज विशेष द्वारा मामूली विवाद में सामने आकर हिंदू युवा मंच पर गंभीर आरोप लगाने से नाराज विभिन्न समाज के प्रतिनिधियों ने गुरुवार को दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और हिंदू युवा मंच के कार्यकर्ताओं पर अनर्गल आरोप लगाने पर अपना विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि हिंदू युवा मंच हमेशा हिंदू हितों के लिए तत्पर रहता है, ऐसे में मामूली विवाद को समाज से जोड़कर संगठन को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि हिंदू युवा मंच पर लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच कराते हुए न्याय संगत कार्रवाई की जाए। लगभग दर्जन भर से ज्यादा विभिन्न समाज के लोगों ने एकजुट होकर हिंदू युवा मंच के कार्य की तारीफ करते हुए उन्हें अपना समर्थन प्रदान किया और उचित कार्रवाई की मांग कर डाली। इस संबंध में ज्ञापन देने पहुँचे लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सोशल मीडिया में हमारे संगठन के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी की जा रही है और विद्वेषपूर्ण हमारे कार्यकर्ताओं को बहकाया जा रहा है, उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, जिसका हम विरोध करते हैं, क्योंकि पिछले 13 वर्ष से हम हमेशा हिंदू समाज को एक करने का काम किए, उनके संगठन का काम किए, उनके संवर्धन का काम किए, और जिस तरीके से घूम घूम के हमारे बारे में प्रचार किया जा रहा है, ये अशोभनीय है। हम इसकी निंदा करते हैं और कलेक्टर साहब के माध्यम से इन समाज सकल समाज से हम निवेदन किए हैं कि आप हमारे सपोर्ट में आइए और सपोर्ट करिए हमारे सही चीज़ों को। अगर हमने गलत किया है तो न्यायालय में प्रकरण है, आप न्यायालय को अपना कार्य करने दीजिए। हमने न्यायालय का सम्मान करते हुए हमने खुद समर्पण किया है हमारे कार्यकर्ताओं ने, और कभी ये कोशिश नहीं की है कि न्याय व्यवस्था को हम अपने हाथ में लें। हमारा संगठन समुचित रूप से एक समर्पित संगठन है और डिसिप्लिन संगठन है। एक सिपाही की तरह हम काम करते हैं तो एक सिपाही का मनोबल इन चीज़ों से गिरता है, जिसका हम विरोध करते हैं, और इसी कारण हम समाज के अलग अलग समुदाय से जिन लोग आए हैं हम उनका स्वागत करते हैं कि ये हमारे सपोर्ट में खड़े हुए हैं और हम इनके लिए जो हमारे तरफ से होगा हम सब। आज इस कचहरी परिसर पर हम बहुत आक्रोश के साथ उपस्थित हुए हैं, जैसा कि हमें समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिली। हिंदू युवा मंच एक हिंदुओं का एक ऐसा संगठन जो शहर में भगवा ध्वज को लहराते हुए शहर की शांति व्यवस्था के साथ, हमने देखा होगा इस लगभग कई वर्षों के साथ जब भी हिंदुओं का कोई त्यौहार होता है, एक अनुशासित सिपाही के तौर पर शहर में पैदल मार्च करते हुए इस संगठन ने अपना जुलूस निकाला। मैं आज इस मंच से, आज यहाँ इस मंच से सबके सामने कहना चाहूँगा, एक अनुशासित सिपाही के मार्फत से शहर में हमेशा इन्होंने एक अनुशासन का परिचय दिया और हर जुलूस को निकाला है। आज समाचार पत्रों के माध्यम से हमें जब ज्ञात हुआ कि ऐसा संगठन, ऐसा अनुशासित संगठन जो हमारे हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को हमेशा सहेज कर रखता रहा है, सर्वधर्म सद्भाव को भी हमेशा बना कर रखता रहा है, उसके ऊपर किसी समाज विशेष के द्वारा इस तरह का अनर्गल और मीठा आरोप लगा गया, हमारा हृदय बहुत दुखी हुआ जब हमें पता लगा कि ऐसा संगठन जिसके लोग इतने अच्छे हैं, हमेशा जनहित के कार्यों में, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि धार्मिक संगठन होने के बाद भी जनहित कार्यों में हिंदू युवा मंच हमेशा अग्रसर रहा है, हमेशा कोई भी दीन हजीन हमेशा हिंदू मंच में युवा मंच ने सहयोग किया। आज हम सब इसलिए आए हैं कि हिंदू युवा मंच के रूप में ऐसा अनर्गल मिथ्या आरोप जातिवाद की भावना को लेकर मत किया जाए। मैं ये कहना चाहूँगा अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो कानून सम्मत उसके ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई की जाए, ऐसा किसी समाज या विशेष के दबाव में आकर किसी तरह की ऐसी कार्रवाई नहीं की जाए जिससे समाज में विरोध का द्वार और विध्वंस की भावना और मन में किस तरह की ऐसी विद्वेष की भावना पैदा हुआ। तो मैं कलेक्टर माध्यम से जिला प्रशासन के बाद आपको ये कहना चाहूँगा आज इस मंच के माध्यम से कि ऐसी कोई कार्रवाई ना की जाए जिसमें समाज में विद्वेष की भावना पड़े और एक दूसरे के प्रति हम सब एक विरोध का रूप में दर्ज करें। मेरा आग्रह है कि एक विधि सम्मत कार्रवाई, जो जितना अपराध किया है उसी के अनुसार, कानून के अनुसार उसके ऊपर अपराध दर्ज होना चाहिए और कार्यवाही होनी चाहिए। हम ये कहते हैं कि न्याय संगत कार्रवाई जिला प्रशासन करे, हम ये नहीं कहते कि किसी तरह की कोई वो कार्रवाई करे, न्याय संगत कार्रवाई करे, किसी भी संगठन के ऊपर इस तरह की कोई कार्रवाई ना की जाए जिससे समाज में एक दूषित वातावरण पैदा हो। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।